हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, दुनिया घूमना आखिर कौन नहीं चाहता। हर किसी का सपना होता है कि वो एक बार अपनी लाइफ में स्विट्जरलैंड, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे खूबसूरत शहरों की सैर करे। लेकिन इन सबके बीच लोग भूल ही जाते हैं कि भारत की सीमा से जुड़े कुछ ऐसे देश भी है जहां इतना कुछ छिपा है कि अगर आप इन छोटे देशों के टूर पर निकले तो आप दुनिया के बड़े शहरों को देखना भूल जाएंगे। अगर आपको भी घूमने का शौक है तो क्यों ना शुरुआत एक ऐसी जगह से हो जहाँ लोग कम जाते हो, जिसको लोग घूमने की लिस्ट में रखते ही ना हो, और यहाँ घूमना आपके बजट में भी हो। जब आप ऐसी जगह की खोज में होंगे तो म्यांमार का नाम सबसे आगे आएगा। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार एक बेहद ही खूबसूरत देश माना जाता है। दोस्तों, म्यांमार आपके लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकती है। इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। आज हम आपको म्यांमार की ऐसी 6 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ जाकर आप अपने टूर को यादगार बना सकते हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे अनोखी राज्य म्यांमार की एक शानदार सफर पर। नंबर 1 इज बागान। म्यांमार के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो दोस्तों, इस मामले में यहाँ का बागान शहर सबसे पहले आता है। बागान म्यांमार में स्थित एक प्राचीन शहर है और इस देश का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी। म्यांमार के बागान में हजारों धार्मिक इमारतें हैं। ये शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों, बौद्ध मंदिरों, मठों, स्तूपों और स्मारकों के लिए जाना जाता है। इस शहर को लेकर ऐसी मान्यता है कि आज से ठीक 900 साल पहले इस ऐतिहासिक शहर में 10,000 से ज्यादा मंदिर थे। शायद इसी वजह से म्यांमार को मंदिरों का घर कहा जाता है। बागान शासकों ने बागान में 10,000 से ज्यादा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। इनमें से बहुत से मंदिर भूकंप की वजह से नष्ट हो गए तो कई मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन आज भी बागान में बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल मौजूद है। इसे आनंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। कई बड़े राजनेता इस मंदिर के दर्शन करने खास तौर पर म्यांमार आ चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया गया है उसे देखते हुए इसे सबसे बेहतरीन, सबसे भव्य, सबसे अच्छी तरह संरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। मंदिर में ढेरों बुद्ध प्रतिमाएं हैं और मंदिर के चारों कोनों में बुद्ध खड़ी मुद्रा में बने हुए हैं। इस मंदिर के पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कहानी बताई जाती है। बागान के शांत मैदानों में स्थित इस मंदिर को अनोखा बनाने वाले कारीगर को निर्माण के बाद मार दिया गया ताकि वो दोबारा ऐसे किसी मंदिर को न बना सके। इस मंदिर के अलावा बागान जाकर आप यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का भी आनंद ले सकते हैं। ये शहर वाकई में काफी सुंदर है। नेक्स्ट इज यांगून शहर। दोस्तों, म्यांमार एक बेहद ही शांत जगह है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको यहाँ जाकर भीड़ भाड़ वाली जगह मिले तो यांगून शहर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इस शहर में सुबह शाम बस चहल पहल ही देखने को मिलती है। यांगून भारत में मुंबई जैसी चहल पहल से भरपूर शहर है, इसलिए आप इस शहर में जाकर एक पल के लिए भी बोर नहीं हो सकते। इस शहर में कई बड़े बड़े बाग बगीचे होने के कारण इसे द गार्डन सिटी ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। यांगून में ही विश्व प्रसिद्ध स्नेक पगोडा है, जहां देखने के लिए वैसे तो काफी कुछ है, लेकिन यहां का बौद्ध मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर की खासियत और यहां की मान्यता सबसे अलग है। यांगून शहर की एक झील के बीचों बीच बना ये बौद्ध मंदिर इसलिए अलग है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां सांपों को लाकर छोड़ जाने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। लोग अपने साथ सांप लेकर आते हैं और मंदिर में छोड़ जाते हैं, इसी वजह से इस मंदिर को स्नेक टेम्पल भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि इस मंदिर में आप दिल खोलकर कुछ भी मांग सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर में आने वाला शख्स सिर्फ एक ही चीज की मांग कर सकता है। मंदिर के मुख्य कमरे में एक पेड़ है जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यहीं पर फर्श पर पड़े सांप पेड़ की शाखाओं से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ये सांप भी ऐसे वैसे नहीं होते, ये खतरनाक अजगर या फिर वैसे ही जहरीले सांप होते हैं। मान्यता है कि ये सांप उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस मंदिर में जाने के बाद आपको थोड़ा डर भी लग सकता है क्योंकि मंदिर के हर कोने में आपको यहाँ सांप रेंगते नजर आएंगे। इसके अलावा इस शहर का सबसे बड़ा आकर्षण श्वेतागोन पगोडा है, जो एक 99 मीटर ऊंचा सोने से ढका हुआ पगोडा स्तूप है। ये कंडोजी झील से पश्चिम में सिंगुट्रा पहाड़ी पर स्थित है और पूरे यांगून शहर से ऊंचाई पर है। नेक्स्ट इज बहादुर शाह जफर के मकबरे। वैसे तो दोस्तों, आपको म्यांमार में काफी कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर बात इस देश के कुछ बड़े स्थानों की करें तो उसमें बहादुर शाह जफर की मजार का नाम तो लेना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि म्यांमार की यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग, खासतौर पर भारतीय, मुस्लिम और राजघरानों में रुचि रखने वाले लोग, बहादुर शाह जफर की दरगाह जरूर जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े राजनेताओं ने भी इस मकबरे पर चादर चढ़ाई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 2012 में बहादुर शाह जफर की दरगाह पर गए, जबकि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद भी ये दरगाह काफी समय तक सुर्खियों में रही।
आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में म्यांमार की तत्कालीन राजधानी रंगून की एक जेल में हुई, लेकिन उनकी दरगाह 132 साल बाद 1994 में बनी और उसके बाद ये दरगाह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। खास बात यह है कि इस मकबरे के पास पुरुषों के साथ महिलाएं भी जा सकती है। इस दरगाह में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रार्थना करने की जगह बनी है। ये दरगाह है दुनिया की मशहूर और ऐतिहासिक दरगाहों में गिनी जाती है। बहादुर शाह जफर की मौत के पीछे कई तरह के दिलचस्प तथ्य बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर मृत्यु के बाद दिल्ली के मेहरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह के पास दफन होना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए 2 गज जगह की भी निशानदेही कर रखी थी, लेकिन बर्मा में अंग्रेजों की कैद में 7 नवंबर 1862 को सुबह बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। उन्हें उसी दिन जेल के पास ही श्वेतांगोन पैगोडा के नजदीक दफना दिया गया। आज स्थान काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और हजारों लोग इस दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाने आते हैं। अगर आप भी म्यांमार का टूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस दरगाह पर जरूर जाएं। नेक्स्ट इज इनले लेक। दोस्तों, अगर आपको झीलें देखना पसंद है तो म्यांमार में आपका एक्सपीरियंस इस मामले में सबसे बढ़िया रहने वाला है। इस देश में कई ऐसी झीलें हैं जिसकी खूबसूरती का मुकाबला किसी भी देश की कोई दूसरी लेक या झील नहीं कर सकती। इस झील का नाम है इनले झील। सुंदर शान पहाड़ियों के बीच स्थित इनले लेक म्यांमार के बीच स्थित विशाल और शांत झील है। इस झील के पास आने से ही एक अलग अनुभव होने लगता है। सदियों पुराने मठों और मंदिरों से घिरी होने के अलावा इस झील की खूबसूरती में इस झील के आसपास बने गांव 4 चांद लगाने का काम करते हैं। इस झील को म्यांमार की दूसरी सबसे बड़ी झील माना जाता है। झील के पास कई ऐतिहासिक स्थल है जिन्हें देखने लोग खास तौर पर लंबी यात्रा करने आते हैं। इसके कई दर्शनीय स्थलों को देखने का एक शानदार तरीका ये है कि इसके शांत पानी के चारों ओर एक नाव की यात्रा की जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनले झील को साल 2015 में पेरिस में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। ये म्यांमार के शान राज्य टाउनली जिले में स्थित है। इस झील में आपको 267 तरह की पक्षियों की प्रजाति मिलेगी। म्यांमार की ये झील यहाँ का पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और आप इस झील की यात्रा करके अपने म्यांमार टूर को और भी यादगार बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ताउंग कालत मठ। म्यांमार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में अगर ताउंग कालत मठ का नाम नहीं लिया जाए तो शायद म्यांमार के साथ नाइंसाफी होगी। ये मठ और इसके आसपास की जगह इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ आकर एक पल के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। ताउंग कालत मठ पोपा पर्वत के निकट एक खड़े पहाड़ी चोटी पर स्थित है। चोटी पर स्थित इस अद्भुत मठ से चारों ओर के मैदानों का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग तो रोज इस मठ के दर्शन करने पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए 777 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। देखा जाए तो सुंदर जगह देखने के लिए ये सीढ़ियाँ कुछ ज्यादा भी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पहुँचने की खुशी अपने आप में सारी थकान मिट जाती है। वैसे इसके रास्ते में पाए जाने वाले बंदरों से निपटना भी बड़ी चुनौती बन सकता है। बेहतर होगा कि आपके पास कोई भी चीज खुली न हो, क्योंकि ये उसे छीनने में देर नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहे तो ताउंग कालत मठ को देखने के बाद इसके थोड़ी ही दूरी पर बने क्याएक तियो मठ देखने जा सकते हैं। इस मठ को म्यांमार के लोग चमत्कारी मठ बताते हैं। क्याएक तियो पर्वत की चोटी के एक किनारे पर न जाने कैसे एक विशालकाय पत्थर टिका हुआ है और इस पर ही ये अद्भुत मठ स्थित है। पत्थर सोने से ढका हुआ है जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। नेक्स्ट इज मांडले। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मांडले। इस शहर में साहित्य और कई पारंपरिक कलाएं बसी हुई है। म्यांमार का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र मांडले शहर के आसपास अनेक पर्यटक स्थल हैं। इस शहर में मोटर स्कूटरों और टी हाउस खूब दिखाई देते हैं। इस जगह को म्यांमार के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। यहाँ भी आपको ढेर सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मांडले जाए तो यहाँ की चाय जरूर ट्राई करें, क्योंकि मांडले जितनी टेस्टी चाय आपको पूरा म्यांमार में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ गाढ़े दूध वाली चाय खूब मशहूर है, जो एक तरह से चाय और वियतनामी कॉफी का मिक्सचर है। इसके अलावा आप मांडले जाकर लोकल फूड मार्केट भी घूम सकते हैं। मांडले की मार्केट में आपको सस्ते दामों में काफी कुछ मिल जाएगा। वैसे भी म्यांमार की करेंसी इंडियन करेंसी की तुलना में काफी सस्ती है। शॉपिंग के अलावा दोस्तों, आप मांडले में आयोजित होने वाले एक शो देख सकते हैं जिसे मस्टैच ब्रदर्स यानी मूंछों वाले 3 भाइयों का कॉमेडी शो के नाम से जाना जाता है। मांडले जाने से पहले ये जान लीजिए कि इस शहर पर सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिलती है। यहाँ लोग सरकार और सेना के खिलाफ कभी भी सड़कों पर उतर आते हैं। कई बार तो यहाँ इतना ज्यादा हंगामा हो जाता है कि सेना को लोगों पर गोली भी चलानी पड़ जाती है। यहाँ के दंगों और हंगामा की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल
वायरल होती रहती है, जिस वजह से म्यांमार का मांडली शहर दूसरे देशों में भी चर्चा का विषय बना रहता है। तो दोस्तों, ये है म्यांमार के वो 6 खूबसूरत जगह जहां आप घूमने जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आप घूमने गए हैं म्यांमार, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।